पर वैसे मेरे को एक चीज याद आई अभी कि मेरे को तब दिमाग में नहीं आया कि मैं कवर उतार के तो चेक कर सकता हूँ फोन। वही वही ना, जब दिमाग चलता नहीं टेंशन में, क्योंकि ना जब मैंने एक्सेस मैक्स में आए थे दिक्कत, तो मैंने कवर वो टेम्पर्ड ग्लास सब कुछ उतार के चेक कर लिया था, बट तब भी ठीक नहीं था। मेरे को लगा फिर मेरे को तब भी यही एक और रीजन था कि मेरे को तब उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम, बट नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर वेल। तो भाई अभी व्लॉग स्टार्ट करने का एक रीजन है, मैंने करा था एप्पल सर्विस सेंटर पे कॉल की मेरे को कल का अपॉइंटमेंट दो ऑनलाइन वाला, बट उन्होंने बोला कि सर आपको जो टोकन चाहिए वो तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा, क्या नाम है एप्पल केयर कॉल करके। तो मैंने कॉल करा, बड़ी मुश्किल से पहले तो कॉल मिला उनका, बट फिर बात बात हुई पूरी, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने बोला कि हम ट्रबल शूट करके देख लेते हैं फोन, मतलब पहले मैंने उनको समझाया कि क्या इश्यू आ रहा है, बजिंग से साउंड आ रही थी वो जब मैं कवर लगा के कर रहा था तब आ रही थी, बट तब मैंने उनसे बात पूत करी पूरी करी, सब कुछ हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको दूसरा नंबर कॉल आएगा ऑल्टरनेटिव नंबर पे आपके, तो मैंने वो नंबर भी प्रोवाइड कर दिया था उनको। उसके बाद उन्होंने मतलब स्क्रीन शेयरिंग से मेरे फ़ोन की मतलब कुछ वो चेक कर रहे थे फ़ोन को, मतलब जब फिर मैंने उन्होंने बोला कि आप वॉइस मेमो जाके ना रिकॉर्ड करो ऑडियो, तो मैंने कर दी। पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या वीडियो, मैंने कहा मेरे को सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और सिर्फ मेरे को वीडियो में ही, एक सेकंड में फैन चला दूँ, पहले नहीं फैन चला रहा, मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता। तो उन्होंने पहले वॉइस मेमो ऑडियो रिकॉर्ड कराई मेरे से, 10 सेकंड की वो ऑडियो थी, हमने उसमें मतलब वो चेक करा, उसमें तो उसमें कोई साउंड नहीं थी, 1% भी साउंड नहीं आ रही, जैसे अभी वीडियो में भी आ रही थी जब मैंने जो लास्ट लॉट डाला उसमें, मैंने आपने चेक करी होगी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप कवर लगा के व्लॉग करो, मतलब एक सेकंड 5-10 सेकंड की वीडियो बनाओ, फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे से मैंने बनाई, उसमें आवाज़ थी, बट जब मैंने कवर उतार दिया तब भी मैंने दोनों फ्रंट कैमरे से और बैक कैमरे से 3-4 बार वीडियो बना के देखी, एक भी आवाज़ नहीं थी। तो उन्होंने बोला हो सकता है कि ये इको की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, कवर लगा के ना इको हो जाती है वॉइस, तो इसलिए बजिंग से साउंड आ रही हो, और कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे ही डर रहा था, मेरा ना मतलब दिक्कत पता है मेन क्या थी, डेटा मेरे को पूरा ट्रांसफर करना पड़ता लैपटॉप में, फिर फ़ोन पूरा रीसेट होता, फिर दिक्कत आती। वैसे वो कह रहे हैं कि अगर मेरे ना थोड़ी सी हल्की सी डस्ट भी जमी हुई है ऊपर वाले माइक्रोफोन में, तो वो कहते हैं कि अगर उससे कोई दिक्कत हो, उससे वैसे कोई दिक्कत है नहीं, वो कह रहे हैं अगर क्लीन कराना तो आप सर्विस सेंटर चले जाना, वो हो जाएगा। उन्होंने बोले कि आप एक व्लॉग ऐसी बना के देखो बिना इसके, क्या नाम है अपना यार, बिना कवर के, उसमें आवाज़ आए तो आप फिर अपने फ़ोन ले आना सर्विस सेंटर, वो चेक कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, कि अगर वो क्लीन करके करना हो तो क्लीन करके, या तो फिर वो जो पूरा रीसेट। पहले उन्होंने मेरे से वो भी पूछा कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, एक सेकंड रुक जाओ हाथ दर्द हो गया, फ़ोन ऐसे चेंज कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा, तो मैंने बता दी कि मतलब वो है क्या कहते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, मैंने बोला 15.4.1। उन्होंने कहा ये तो लेटेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ मतलब उन्होंने पूरा चेक वेक करा, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर उसमें दिक्कत आए अपना यार, क्या नाम है, कि अगर बिना उसके बिना केस लगाए अगर मैं व्लॉग करूँ और फिर दिक्कत आए तो दिखाना है, तो देखते कोई क्या दिक्कत आएगी। वैसे चलो मैं बच गया, एक तो टाइम बच गया सबसे बड़ी बात, कि क्योंकि जो मैं लास्ट टाइम गया था ना, मेरे को 2 बार जाना पड़ता, 3-3 घंटे की वेटिंग करी है मैंने, मॉल में धक्के खाए हैं ऐसी, फिर नहीं तो मॉल में जब टाइम पास नहीं होता फिर गाड़ी में के बैठ जाते, फिर ऐसे बस ये करते थे, बट बच के टाइम। तभी मैंने सोचा था कि इस बार मैं ऑनलाइन लेके जाऊँगा वो, पर मैंने पहले जब कॉल किया तो वो कहता था सुबह 11 बजे भी आ सकते हो, तब भीड़ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। मैंने कहा कि अगर मैं 2-3 बजे के करीब आऊँ तो कहती भीड़ मिल सकती है, बट हम ये नहीं कह सकते एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा, बट चलो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कितनी मतलब आवाज़ जो आ रही है बजिंग वाली साउंड जी वाली वो आ रही है नहीं आ रही है। अगर वो आ रही होगी तो कल चला जाऊँगा, वरना बच गया, पर मैं नोटिस करूँगा कि बिना इसके क्या कहते हैं इस वाले केस के, ये इस केस से आवाज़ आ रही थी, तो बिना इस केस के यूज़ करके देखूँगा फ़ोन, और अगर नहीं तो फिर दूसरा केस लगा लूँगा। दूसरा केस लगा के भी सोचता हूँ कि जो मेरा वर वो तो मैंने फेंक दिया, शिट वाला कवर मैंने फेंक ही दिया, याद आया अभी अभी मैंने, और वो थोड़ी देर पहले फेंका था, मैंने कहा मेरे को तो यूज़ करना नहीं, अब फ़ायदा नहीं होगा, वैसे ही फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। मेरे को तो डर भी बहुत लगता है ऐसे फ़ोन यूज़ करने में बिना कवर के। अब चलो देखते हैं, तो फिर ट्रांसफर कर खरीद लूँ कोई नॉर्मल सा, पता नहीं यार इसमें वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, इसमें क्यों दिक्कत आ रही है, बट बहुत सेक्सी कवर लग रहा था। अब जो भी है अब देखते हैं, अली पहले सुन लो आवाज़ कैसी, नहीं तो फिर वही डेटा ट्रांसफर करूँगा, फिर कल लेके जाऊँगा फ़ोन अपना। आवाज़ क्यों, अरे ये गलत, मैं व्लॉग कर रहा था, तूने पता ही आवाज़ क्यों आ रही थी, इस कवर की वजह से। मैंने चेक कराया उनको, बोला नहीं लिया मैंने, पहले लिया था बट वो अब हो गया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैंने उनको कॉल करा ऐप क्या कहते हैं सर्विस सेंटर वालों को, उनसे पूछा मैंने कि क्यों क्यों दिक्कत हो रही है, तो वो बोलते कि इसकी वजह से कि मतलब आप, मैंने उनको बोला कि मेरे को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए, टोकन चाहिए कल के लिए,
तुमने बोला कि सर आपको एप्पल केयर पे कॉल करना पड़ेगा, मैंने करा, फिर मैंने उनसे बात बात कर उनको बताया ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वो बोलते हैं अच्छा, वो कहते हैं कि एक बार हम ट्रबल शूट करके देख लेते हैं यहीं से, अगर आप चाहते हो तो, वरना आप सीधा सर्विस सेंटर जा सकते हो। उन्होंने करा, उन्होंने बोला कि आप कवर के साथ वॉइस रिकॉर्ड करो और कवर के बिना वॉइस रिकॉर्ड करो। मैंने कर ली, कवर के साथ इको रही थी, बस 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 वाली साउंड आ रही थी और इसमें नहीं आ रही, बच गया, टाइम बच गया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो स्पीकर टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, स्पीकर टेस्टिंग विदाउट कवर, हेलो हेलो। तो भाई मैंने रिकॉर्ड कर ली, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था, और मैंने ना मतलब एडिटिंग जब उसमें प्रीवियर रश में जाके देखा तो आवाज़ नहीं आ रही है, और जो मैंने कवर के साथ वॉइस रिकॉर्ड करती मैं वो भी डाल रहा हूँ, और जो विदाउट कवर रिकॉर्ड करती वो भी डाल रहा हूँ, दोनों सुनना फर्क चल जाएगा आपको। और अभी मैं जा रहा हूँ, उसके बाद क्या नाम है अपना, अभी सामान ले जाना है मम्मी का, कुछ टैगोर गार्डन से साबुन लेके आने, पता नहीं आ रहे थे दूर भेजते साबुन लेने के, यहीं से ले ये बर्तन धोने के, वो ले जा रहा हूँ, फटाफट से निकलता हूँ गाड़ी से। विदाउट कवर फ़ोन यूज़ करना मेरे को बहुत डर सा लगता है, दहशत होती है मेरे को कि ना यार अजीब सा लगता है कि फ़ोन स्लिप हो जाए कुछ होता है, वैसे इतना भैया महंगा फ़ोन है, बहुत महंगा सोचा है, बिना कवर के वैसे यूज़ नहीं होता। आज शाम को कवर लेके आऊँगा, सबसे पहले काम यही करूँगा घर आके, अब फटाफट से निकलता हूँ। भाई साहब, भाई जल गया, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत गर्मी है, भभका हो रहा है गाड़ी में, तो इतना गंदा भभका, क्या ही बताऊँ। शीशा खोल दूँ पहले तो सारे मैं, और भाई एक सेकेंड, और भाई एक सारे यार ये तो बहुत गर्मी। दूसरी चीज़ मैं ना कवर लगा के आऊँ, क्योंकि बाहर भाई मुझे डर था कि फ़ोन गिर गिर ना जाए, कुछ मतलब बग गिर गिना क्यों बोल रहा भाई, ये क्या दिमाग खराब हो रहा है। हाँ कि यार कुछ भी हो सकता है, तो मैं जान के कवर लगा के आया हूँ कि भाई सेफर साइड के लिए, बाहर क्या कभी गाड़ी में उतार दूंगा कवर, या तो ऐसे लगा लूँगा, कोई नहीं दो मिनट लगा, मैं बाहर जा रहा हूँ सामान, भाई बहुत गंदा भपका आ रहा है गाड़ी में तो। पर वैसे मेरे को एक चीज़ याद आई अभी, कि मेरे को तब दिमाग में नहीं आया कि मैं कवर उतार के तो चेक कर सकता हूँ फ़ोन, वही वही ना जब दिमाग चलता नहीं टेंशन में, क्योंकि ना जब मैंने एक्सेस मैक्स में आई थी दिक्कत, तो मैंने कवर वो टेम्पर्ड ग्लास सब कुछ उतार के चेक कर लिया था, बट तब भी ठीक नहीं, तो मेरे को लगा, फिर मेरे को तब भी यही एक और रीज़न था कि मैं बोला तब उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम की, बट नहीं है, शुक्र है भगवान का, बच गया टाइम, सब कुछ बच गया, अब फटाफट चला तो बहुत गर्मी लग रही है भाई, कसम से बता रहा हूँ। भाई एक सीन हो गया, अरे एक, हाँ एक सीन भाई, एक सीन हो गया कि मेरे को याद नहीं रहा कि आज वेडनेसडे और यहाँ की दुकान बंद है, और मैं आ गया और देखो दुकान बंद मिली, दिमाग ही ख़राब हो गया यार, कसम से बता रहा हूँ। आज तो पहले इतनी गर्मी, अभी तक तो ये गाड़ी ठंडा करा था, चलो तो शुक्र है तो बंद नहीं हुई, मतलब बाहर निकल के नहीं गया मैं, वो हो गया, टाइम बच गया, अब चलता हूँ फटाफट घर। मैंने कुत्तों का खाना भी लिया था, मतलब जो रोटी थी वो भी डाल दी कुत्तों को, और शायद करते हैं इस व्लॉग को यही पॉइंट, सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और थोड़ा छोटा सा व्लॉग है क्योंकि इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेटिव सी बात हुई थी ना इसलिए, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा फ़ोन ठीक हो गया। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, अमोक तन्वर साइनिंग ऑफ।